वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में सोमवार को तेज रफ्तार बेकाबू कार की टक्कर से 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने आज दूसरे दिन भी रोड पर जाम लगाए रखा। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने मृतक के आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर रोड से जाम खुलवाने के लाख प्रयास किए, लेकिन वह नहीं माने। इस दौरान प्रदर्शनकारी पीड़ित परिजन आरोपी चालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई, 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन की पीड़ित परिजनों के साथ लगातार वार्ता जारी है। इस बीच मृतक इंदल पटेल का पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचा तो पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और हर संभव मदद के भरोसे के बाद परिजन माने। वहीं रोड से जाम खुलवाने के साथ ही पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद कहीं पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। थाना क्षेत्र लंका में कल एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से इंदर पटेल एक व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु हो गई दौरान उपचार। तो उसको लेके काफ़ी आक्रोश था फैमिली में और वो चाह रहे थे कि तुरंत विधिक कार्रवाई संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया थाना लंका के अंदर, और उनकी मांग थी कि जो भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता है वो उनको मिल जाए। उसके लिए भी जो है पत्राचार कर दिया गया है और समय से जो है इनको आर्थिक सहायता दे दी जाएगी। यही कार्रवाई बाडी को भेज दिया गया है घाटों पर। इनकी आज ये मांग थी कि साहब जो आर्थिक सहायता हमने जो मांगी गई है वो हमें कब तक मिल जाएगी, और उसके लिए जो है संबंधित जो शासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे वार्ता हो गई है, और इनकी ये मांग थी कि साहब तो जो कर जो गलती हुई है, कुछ और व्यक्ति भी थे जिन्होंने वहाँ मारपीट करी है, तो उसके लिए इनसे उनका ये कहना था कि साहब हम एक एप्लीकेशन देंगे और हम चाहते हैं इसमें निष्पक्ष जांच हो। तो जैसे ही कोई हमें एप्लीकेशन मिलेगी हम उस पर निष्पक्ष जाँच करवाएंगे।